ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि sp3d2 भी बन सकते हैं और d2sp3 भी कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं. दोनों के केस में ही ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन फर्स्ट के केस में हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और सेकेंड केस में हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे. आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो ज्योमेट्री पॉसिबल हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल है और दूसरी क्या है, स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री क्या है, पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, दो ज्योमेट्री क्या है, पॉसिबल है. अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का पॉसिबल है कि जब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या है, एक s और तीन आउटर p ऑर्बिटल का यूज़ करके बने, तो उस केस में हमारे पास कैसी ज्योमेट्री फॉर्म होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होगी. बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ द कॉम्प्लेक्स यूजेज वन इनर d ऑर्बिटल, वन s एंड टू आउटर p ऑर्बिटल, इन दैट केस द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री विल बी स्क्वेयर प्लेनर. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या फॉर्म होगी, स्क्वेयर प्लेनर फॉर्म होगी. अब जब टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो एक एस का ऑर्बिटल यूज़ है, एक px, py और pz के ऑर्बिटल क्या हैं, यूज होते हैं. लेकिन जब अब एक स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं तो उसके अंदर इनर जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो हमारा dx² y² है, s और p जो दो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो है हमारे px एंड py ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. अब आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की. इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, टेट्रासाइनाइड कॉम्प्लेक्स. निकल का एटॉमिक नंबर रहता है 28 और आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d8 4s2. ये 3d है, ये 4s है, ये क्या है हमारे पास, 4p है. इसका अगर हम देखें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी है निकल +2, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं, 3d8 आ गया. जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया. अब ध्यान से देखिए साइनाइड. ठीक है, साइनाइड के केस में क्या होगा, साइनाइड क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड के केस में क्या होगा हमारे पास. ओके, सो इस चीज़ को करने से पहले बीच में एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो ये है कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हर एक जो लिगेंड है वो डिफरेंट बिहेव करता है. सिमिलरली ये हमारा ट्रेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो जो ये लाइन मैंने लगाई है इससे पहले वाले किसकी तरह एक्ट करेंगे, वीक लिगेंड की तरह काम करते हैं, और जबकि बाद वाले किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं. दैट मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अमोनिया किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है. अगर फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ, +3 +4 4d 5d सीरीज की बात करूँ, चाहे कोई भी लिगेंड आ जाए वो सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं. तो यहाँ पर निकल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर साइनाइड हमारा क्या है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लीजिए, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लीजिए, साइनाइड हमेशा किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा. तो अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन की, और जब वो पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास क्या है, एक डी ऑर्बिटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा. और इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर देगा, साइनाइड जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और बॉन्डिंग बना लेगा. दैट मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से जो हमारे पास जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dsp2 बनेगी. और dsp2 होने की वजह से इसका जो हमारा शेप रहेगा, सॉरी हमारी जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी, स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी. अगर मैं मैग्नेटिक करेक्टर की बात करूँ तो क्या होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, डाया मैग्नेटिक है नेचर में. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स आता है हमारा निकल का ही टेट्रा क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स.
सेम यहाँ पर भी जो निकल है हमारा वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो पहले मैं वही बना देती हूँ, 3D8 हमारे पास रहेगा। ये सिस्टम तो हमारा ऊपर वाला ही हुआ ना, तो चेंज क्या हुआ है हमारे पास, लीगेंड चेंज हुआ है। और यहाँ पर अब लीगेंड क्या आ गया हमारे पास, क्लोराइड आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस टू। तो अगर मैं बात करूँ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारा क्लोराइड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वीक लीगेंड की तरह काम करता है। तो वीक लीगेंड जो होते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, क्लोराइड वीक फील्ड लीगेंड है, और वीक फील्ड लीगेंड होने की वजह से कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। आउटर का मतलब sp3 ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो बनाइए यहाँ पर निकल का अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, कोई पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर अब, दैट मीन्स इनर जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या होगा हमारा, एक एस का और बार वाले तीन ऑर्बिटल यूज होके क्या बन जाएंगे हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक क्लोरीन, ये दो तीन चार क्लोरीन क्या कर देंगे, ऐसे डोनेट कर देंगे, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और हमारा जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी sp3 की केस में वो क्या रहेगी, टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसके मैग्नेटिक करेक्टर की बात करूं तो उसके इसमें क्या होगा, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या रहेगा, पैरा मैग्नेटिक रहेगा, नेचर में क्या रहेगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। आगे होगी आपको समझ। नेक्स्ट हम थर्ड कॉम्प्लेक्स की हमारे बात करते हैं, जो निकल का ही क्या है, CO का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, थर्ड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास निकल का ही, CO का कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब कार्बोनिल हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके अंदर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो रहेगी, दैट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो 3D8 4S2 ही रहेगी। और 3D8 4S2 कैसे होता है हमारा, जो हमने अभी बनाया था, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, और ये 4s 3d 4s, और 4p हमारी क्या पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, ठीक है। अब इस केस में जो हमारा CO है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। CO हमेशा क्या है, किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, इन 4s इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर फोर्स पेयर अप करवा देगा, 3D में फोर्स पेयर अप करवा देगा, ठीक है। तो ये था हमारा निकल जीरो के केस में, और जब निकल का अब ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब पेयरिंग हो जाएगी। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे 4s वाले वो कहाँ चले गए, पेयर अप हो गए 3D के साथ, तो अब ये एक s और 3p के ऑर्बिटल क्या हो गए, खाली हो गए, और हमारे पास क्या बन गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। और sp3 के केस में जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। और अगर मैं मैग्नेटिक करेक्टर की बात करूँ तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या है हमारा, डायमैग्नेटिक होगा ये नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स आता है, कॉपर का अमीन का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉपर की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट इज़ टू पॉजिटिव, क्योंकि अमोनिया क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर कॉपर हमारा क्या है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा अब, तो यहाँ पर जब कॉपर टू पॉजिटिव की हम निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये 3D है, ये 4S है, और ये क्या है, 4P होगी हमारे पास। तो अगर मैं कॉपर टू पॉजिटिव के केस में बनाऊँ तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल मेरे पास आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, किसके अंदर, 3D के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर किसका यूज़ होना चाहिए, एक एस का और 3p का यूज़ होके हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, sp3 आ जाना चाहिए। और sp3 से क्या है हमारे पास, कैसी ज्योमेट्री मिल जानी चाहिए हमें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल जानी चाहिए। लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स की एक्सरे स्टडी की गई, ठीक है, जब इस कॉम्प्लेक्स की एक्सरे स्टडी की गई तो ये फाइंड आउट हुआ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्या है,
स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास sp3 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ना कहीं जाने की वजह से तो हमारे पास sp3 होना चाहिए, लेकिन जब एक्सरे स्टडीज़ की गई तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स आया, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आया। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है हमारा कॉपर का कॉम्प्लेक्स, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो इस केस में क्या हुआ होगा, ट्रांसफेरेंस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ट्रांसफेरेंस का केस अक्कर हुआ होगा। ट्रांसफेरेंस में क्या हुआ होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये जंप करके कहाँ चला गया होगा, आगे वाले जो ऑर्बिटल हैं उसके अंदर ये क्या कर गया होगा, जंप कर गया होगा, क्या कर गया होगा, जंप कर गया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा यहीं रहेगा, तो दैट मीन्स अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स ने बनने में स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, या तो dsp2 यूज़ हो या sp2d यूज़ हो, दैट मीन्स अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा जो एक्सरे स्टडीज़ के अकॉर्डिंग क्या था, स्क्वेयर प्लेनर था, उस केस में क्या होगा, यहाँ कोई ट्रांसफेरेंस नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, एक s, दो p और एक आउटर d ऑर्बिटल का यूज़ होगी, sp2d क्या होगा, हमारी जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्क्वेयर प्लेनर बन जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल यूज़ होंगे, दो p के ऑर्बिटल यूज़ होगा और एक आउटर d ऑर्बिटल जो होगा हमारा dx² y² क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। ये वाला ऑर्बिटल हमारा यूज़ ना हो के हमारे पास क्या ज्योमेट्री, क्या हमारे पास जो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, दैट विल बी sp2d और ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वेयर प्लेनर हो जाएगा। दोबारा सुनिए, कॉपर का टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, कॉपर के टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की हमारे पास हमारा जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ये आया, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, अब यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बनना चाहिए था, एक एस और तीन पी का यूज़ करके क्या बनना चाहिए था, sp3 बनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सरे स्टडीज़ ने क्या बताया, एक्सरे स्टडीज़ ने बताया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और अगर हमें इसको स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या किया होगा कॉम्प्लेक्स ने बनते वक्त, इनर एक डी ऑर्बिटल का यूज़ ना करते हुए क्या यूज़ कर लिया होगा, एक ये वाला डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल क्या कर लिया होगा, यूज़ कर लिया होगा। दैट मीन्स इस केस में जो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आई होगी वो क्या आई होगी, sp2d आई होगी, और sp2d कैसे आई होगी, इस कॉम्प्लेक्स ने बनते वक्त एक s, दो p और एक d के ऑर्बिटल का क्या किया है, यहाँ पर यूज़ किया है, और इस तरह क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बना है, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना है। तो आप ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स का एक्सेप्शन लिख लीजिए, ठीक है, कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं ना वो जनरली एक्सेप्शन में रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्या हो जाती है, जो है टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन, या फिर मैं बोलूँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्या हो जाती है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने की वजह से ये जो है नॉर्मल बिहेवियर जो है फॉलो नहीं करते हैं, एक्सेप्शन बिहेवियर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एग्ज़ाम में यही कॉम्प्लेक्स हर बार पूछा जाता है कॉपर का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, ठीक है, वो sp3 बना के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ sp3 नहीं, यहाँ क्या बनेगा, sp2d बनेगा। तो आज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी क्या हुआ, पार्ट ये पूरा हुआ। थैंक यू।